अच्छा दोनों कोण इक्वल है तो सेंटर पे एंगल कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेंटर में सब्ट्रैक्ट करने के बाद ए बी कोण है वो सी डी कोण के ऊपर है एंगल सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका ये इक्वल कोण क्या करते हैं इक्वल आर तो सेंटर पे एंगल सब्ट्रैक्ट करने के बाद इक्वल ही तो ये वाला एंगल कितना बेटा 70 तो ए ट्रायंगल OCD OC is equal to OD तो एंगल C is equal to एंगल D रीजन क्या है एंगल तो ऑपोजिट टू इक्वल साइड का इक्वल एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equal to 180 एंगल O कितना 70 plus x is equal to 180. Here 2x is equal to 110. X is equal to 50. Question number 1. नहीं तो 11 तो 11 नहीं है फिर मेरे पास कौन सा मॉड्यूल है भाई सॉरी AB in which chord of a circle with center O and radius 70. Sir, your voice is also puffery. Voice कब से puffer होने लग गई भाई? Sir, board is not clear and your voice is also. इसके ऊपर में किसी को कोई डाउट है बना लो क्वेश्चन ये दिए इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अब गिवन है कोण ए बी इज इक्वल टू कोण सी डी
Thank you.
Thank you.
Thank you.
किसी को डाउट है इसमें कोई?
PQ डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते दोनों कोण पैरेलल हैं AB और CD OC है 5 सेंटीमीटर AB 6 सेंटीमीटर CD है 8 सेंटीमीटर करते हैं कैसे? सर कर लीजिए ना सर बिल्कुल बीच से बात करेंगे पैरेलल से क्या होता है देखो एक सेंटर टेंथ ठीक है हाँ
सेंटर से सीडी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा एंड पर ये स्टेटमेंट कोई सी फाइव अब जो परपेंडिकुलर के अंदर फाइव सेट कर दें तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। सर दोनों ट्रायंगल्स में क्या करेंगे, एक तो रहेगा ओ सी एम ठीक है, सेम क्या करेंगे पैरेलल ओ ए एन में भी पीजीटी अप्लाई करेंगे, क्या जाएगा ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, ओ ए कितना है 5 से 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस किसी को डाउट है इसमें कोई? A B कैलकुलेट करना, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, A C और B C दोनों इक्वल है, E 6 सेंटीमीटर एंड O A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, O C कितना है? A B कैलकुलेट
O M D कैलकुलेट करना है। Thank you.
किया किसी ने सो दूसरे वाले क्या जाएगा ट्रायंगल ए एम ओ में टेन ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर. अच्छा दोनों पे ए आ रहा है, दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट, क्या है ये वन ये टू ए स्क्वायर से बनेगा ट्रायंगल को माइनस का 25 इज इक्वल टू 25 माइनस 10x प्लस का x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 11, ए का जाएगा माइनस का माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 10x ये कितना आ जाएगा 14 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस का 10x x इज इक्वल टू 1.4. x 1.4 है, x की वैल्यू यहाँ पुट की, a m कैलकुलेट कर दिया, c m कितना है? तो इसी के अंदर पुट करो, a c कितना है? 6, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू c m कैलकुलेशन हो गया. दूसरे वाले में अरे नीचे वाले पुट करते हैं, o a कितना है? 5. तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम है 1.4 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ये कितना है 25, 1.4 का स्क्वायर है 1.96, इस तरफ है किस तरह माइनस का माइनस 1.96 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, ये कितना है 23.04 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर. तो a n किसके बोला जाएगा 4.8. a m 4 पॉइंट कितना है, सॉरी a b का कट करना है, a b का कट करना है, a b कितना जाएगा 4.2 का कट करना 9.6 सेंटीमीटर. बोल
इस वाले से इसको सेपरेट किया, इस स्क्वायर से इसको सेपरेट किया, ओ एन स्क्वायर इस वाला सी एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर एन स्क्वायर और एन स्क्वायर माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है ना, एक इक्वेशन से ए एन स्क्वायर कैलकुलेट हो गया ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर ये ए एन स्क्वायर की वैल्यू इसको पुट कर दूंगा, सेम द रही इक्वेशन बस ओवर गया ये इधर दे रहा प्लस का। किसी को डाउट है इसमें कोई? इसका सी एम और ओ एम परपेंडिकुलर, मतलब ओ सी परपेंडिकुलर होगा। नहीं है परपेंडिकुलर, इसका प्रूफ करना बहुत बड़ा मुश्किल है। ये क्या है, इक्वल साइड्स, ठीक है, ये क्या किया ड्रॉ किया, अगर ये मिड पॉइंट नहीं होगा तो परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा तो कौन से पास नहीं करेगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होगा तो वो भी परपेंडिकुलर होगा तभी सेंटर से पास करेगा, अदरवाइज थोड़ा सा भी डेटा हो तो एंगल नहीं करेगा। इसका प्रूफ है जरूरी चलो लास्ट क्वेश्चन, आज चलो आज की क्लास यही समाप्त। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।